हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस फिर चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की दृष्टि 2022 की। जो करंट अफेयर्स की बुक है गाइस, यहाँ पे जो है हम जो इसमें करंट अफेयर्स आप देखेंगे वो 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक के हैं, जिसमें आज हम कर रहे हैं इस वीडियो में हम कर रहे हैं पार्ट 6, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। चलिए फिर गाइस, पहले देखते हैं इंडेक्स दर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम राष्ट्रीय परिदृश्य कर चुके हैं, विधिक परिदृश्य कर चुके हैं। राष्ट्रीय परिदृश्य में गए और भी टॉपिक्स है जो यहाँ नहीं लिखे हैं आगे, जो हम लोगों ने करे हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य फिलहाल हमारा चल रहा है, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य है, फिर वैज्ञानिक और उत्तर प्रदेश विशेष की बात करेंगे, देन यहाँ संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य की बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने छोड़ा था, उससे आगे क्या। तो गाइस देखिए, यहाँ पे लिखा है श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल, ठीक है। चलिए आइए पढ़ते। तो इसमें लिखा है यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क को वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य ऐसे शहरों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने अपने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी को एक रणनीति घटक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यूनेस्को रचनात्मक शहर नेटवर्क में निम्न 7 रचनात्मक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। पहला, हस्तशिल्प और कलाएं। फिर है डिज़ाइन, देन फिल्म, और फिर है पाक कला, देन आपका साहित्य है, मीडिया आर्ट है, एंड संगीत है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कुछ तथ्यों की। यहाँ पे लिखा है 8 नवंबर 2021 को यूनेस्को ने विश्वभर में 49 नए शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल किया है। अब इस नेटवर्क में कुल क्या है, 90 देशों के 295 शहर हो गए हैं, जिसमें भारत के कितने शहर हैं, 6, ठीक है। तो 8 नवंबर 2021 को क्या हुआ, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार श्रीनगर यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल हो गया। फिर लिखा है इसे शिल्प और लोक कलाओं का एक रचनात्मक शहर नामित किया गया है। यूनेस्को के रचनात्मक शहर के नेटवर्क में शामिल होने वाले 6 भारतीय शहरों की अगर बात करें तो यहाँ हो गया पूर्व मुंबई, फिर इसमें लिखा है इसके पूर्व मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर को ये दर्जा दिया गया था, ठीक है। और इसमें लिखा है मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में जबकि हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल किया गया। फिर इसमें लिखा है अक्टूबर 2017 को चेन्नई को इसकी जो है समृद्ध संगीत परंपरा, शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली के लिए ये दर्जा दिया गया। फिर लिखा है जयपुर का चयन जो है हस्तशिल्प और लोक कला, तथा वाराणसी का चयन क्यों हुआ, संगीत श्रेणी में किया गया। अब इसमें लिखा है क्यू एस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो यहाँ लिखा है QS, मतलब ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का प्रकाशन वर्ष 2009 से वार्षिक आधार पर किया जाता है। ये रैंकिंग प्रत्येक वर्ष एशिया के शीर्ष विद्यालयों पर प्रकाश डालती है। चलिए, तो यहाँ लिखा है नवंबर 2021 को क्वेश एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 का कौन सा संस्करण जारी हुआ है, 14वां। फिर लिखा इस रैंकिंग में विश्वभर के कुल 18 देशों के 686 संस्थानों को शामिल किया गया। इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय किसके हैं, चीन के। मुख्य भूमि कितने, 126 के हैं, ठीक है। इस दृष्टि से 116 विश्वविद्यालयों के साथ भारत जो है दूसरे स्थान पे है। रैंकिंग में सबसे अधिक विश्वविद्यालय वाले शीर्ष 5 देशों की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट हम जान चुके हैं चाइना 126, भारत 116, जापान 108, फिर फोर्थ नंबर पे दक्षिण कोरिया 88 एंड पाकिस्तान जो है 47 के साथ, ठीक है, फिफ्थ नंबर पे। फिर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार 4थे वर्ष एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्या रहा, विश्वविद्यालय रहा। फिर इसमें रैंकिंग में शीर्ष 5 भारतीय विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो गाइस इसमें देखिए 40 एशिया रैंकिंग में हम देखें तो 42 नंबर पे, देखिए भारतीय रैंकिंग में देखें तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, IIT बॉम्बे महाराष्ट्र, ठीक है। और यहाँ एशिया रैंकिंग में 42 नंबर पे है आपका IIT बॉम्बे, ठीक है। अब भारतीय रैंकिंग में देखिए दूसरे नंबर पे है आपका IIT दिल्ली, तीसरे नंबर पे IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, चौथे नंबर पे IIT बेंगलोर जो कि आपका कर्नाटका में, और फिफ्थ नंबर पे है IIT खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। वहीं एशिया रैंकिंग में बात करें तो IIT बॉम्बे महाराष्ट्र का जो रैंकिंग है वो 42 है, IIT दिल्ली की है 45, IIT मद्रास की है 54, एंड फिर यहाँ पे IIT बेंगलुरु 56, एंड IIT खड़गपुर जो है 60वें नंबर पे है। चलिए यहाँ पे लिखा है टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021। तो यहाँ पे शिक्षाविदों समुदाय के सर्वेक्षणों के आधार पर टाइम्स हायर एजुकेशन
वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग सर्वप्रथम वर्ष 2011 में प्रकाशित की गई। इसके तहत वैश्विक प्रतिष्ठा के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की जाती है। तो इसमें कुछ तथ्य देख लेते हैं कि अक्टूबर 2021 में टाइम्स हायर एजुकेशन ने विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 जारी करी। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि ये जो है रैंकिंग का कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। ये रैंकिंग नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के मध्य किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है, जो नई वाली है। तो 2021 की रैंकिंग में जो है 29 क्षेत्रों के 202 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। तो इस रैंकिंग में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी कि USA के सर्वाधिक विश्वविद्यालय 57 शामिल हैं। तो ये से USA का हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो है यानी कि यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है लगातार 11वीं बार शीर्ष स्थान यानी कि फर्स्ट नंबर पर रही। चीन का क्या है, सिंगुआ विश्वविद्यालय जो है एशिया का एकमात्र संस्थान है जो 10 टॉप 10 में शामिल है। फिर में 2021 की रैंकिंग में भारत के 4 संस्थान जो है शामिल है। तो इसमें लिखा है कौन कौन से, देखिए एक है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तो 91 से लेकर 100 रैंक समूह में। फिर है शीर्ष 100 में शामिल होने वाला क्या है, एकमात्र भारतीय संस्थान है। तो इस रैंकिंग में शामिल 3 शीर्ष अन्य भारतीय संस्थान की अगर हम बात करें तो 125 से 50 तक में आया है आईआईटी बॉम्बे, और अगर हम बात करें 176 से 200 रैंक समूह में कौन सा है आपका आईआईटी दिल्ली है, और 176 से 200 रैंक समूह में कौन सा है आईआईटी मद्रास। रैंकिंग में 5 शीर्ष संस्थानों की अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021, प्रतिष्ठा रैंकिंग 2020, विश्वविद्यालय संस्थान और देश देख लेते हैं। तो गाइस हम 2021 की बात करते हैं, 2020 वाला आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर पे 2021 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय कहाँ का है, USA का, और देखिए 2020 में भी यही था। और यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर पे है आपका मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ का है, USA का है। सेकंड नंबर पे ये 2020 में भी था। अब थर्ड नंबर पे कौन सा है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि है यूनाइटेड किंगडम UK का, और फोर्थ नंबर पे आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि USA का है। फिर फिफ्थ नंबर पे है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो कि UK में है। फिर लिखा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021, तो इसमें का वर्ष 2008 से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। और 2021 का रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इस वर्ष का कौन सा संस्करण है, इस रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है, 12वां। तो चलिए कुछ तथ्यों की बात करते हैं। तो 2021 को द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट यानी कि WJP द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 जारी किया गया। तो अच्छा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो लिखा है यह सूचकांक विश्व के 139 देशों के में कानूनों के साथ मतलब रूल ऑफ लॉ का मूल्यांकन करता है। तो इस सूचकांक में देशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन निम्नलिखित 8 फैक्टर्स में विभक्त 44 संकेतकों के आधार पर किया गया है। चलिए देखते हैं, पहला इसमें लिखा है सरकारी शक्तियों पर अवरोध, दूसरा है भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, तीसरा है आपका खुली सरकार, चौथा मौलिक अधिकार, पाँचवा है आदेश एवं सुरक्षा, छठा है नियामक प्रवर्तन, फिर है सातवा है नागरिक न्याय, आठवां है आपराधिक न्याय। तो सूचकांक के अनुसार 2021 में डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे रहे हैं। तो इसमें लिखा है सूचकांक में शामिल 6 दक्षिण एशियाई देशों में जो नेपाल 70वें नंबर पे, श्रीलंका 76 पे है, उसके बाद जो है आप भारत की बात करें तो 79 पे आता है। तो 2021 में जो है भारत की बात करें तो ये कौन से स्थान पे आता है, 79। अब लिखा है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 4 संकेतकों कौन कौन से, अल्प पोषण, बाल दुबलापन, ठीक है, फिर बाल ठिगनापन एंड बाल मृत्यु दर पे, ठीक है, के आधार पर तैयार किया गया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 100 आधार बिंदु के पैमाने पर तैयार किया जाता है, जिसमें 0 सबसे अच्छा स्कोर माना जाता है और जो है 100 वो सबसे खराब स्कोर माना जाता है। स्पष्ट है कि यदि किसी देश का GHI स्कोर 0 है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कोई भूखमरी नहीं, मतलब भूखा नहीं है, ठीक है। अगर यही स्कोर जो है आपका 100 है, इससे तात्पर्य क्या है, उस देश में सभी भूखमरी की स्थिति में है। चलिए कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो अक्टूबर 2021 को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल हंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 जो है जारी किया गया। तो गाइस देख लेते हैं इस बॉक्स से पहले क्या क्या है। तो
इसको पढ़ लेते हैं पहले, फिर बॉक्स देखेंगे। तो इसमें लिखा है कि यह इस जो सूचकांक है उसका 16वां संस्करण है, 2021 की रिपोर्ट हंगर एंड फूड सेफ्टी इन कॉन्फ्लिक्ट सेटिंग विषय पर केंद्रित है। ठीक है, अब इसमें लिखा है तो कि क्षेत्रीय स्तर पर देखा जाए तो वर्ष 2021 में विश्व में अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा का GHI स्कोर सर्वाधिक यानी कि 27.1 है, जबकि इसके बाद दक्षिण एशिया GHI स्कोर जो है 26.1 का स्थान है। फिर ये स्कोर इन क्षेत्रों में भुखमरी की गंभीर स्थितियों को प्रदर्शित करता है। तो गैस यहाँ लिखा है GHI 2021 के अनुसार जो है वैश्विक स्तर पर मात्र एक देश सोमालिया भुखमरी की चरम भयावह स्थिति में है और स्कोर है इसका 50.8, जबकि पांच देश जैसे कि मेडागास्कर हो गया, यमन है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य है, चैड है और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य भुखमरी की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। अच्छा, चार और देश यथा बुरुंडी, कोमोरोस, दक्षिणी सूडान एंड सीरिया को अंतिम रूप से भुखमरी की भयावह स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। अब लिखा है GHI 2021 के अनुसार सोमालिया में अल्प पोषण की दर जो है सर्वाधिक यानी कि 59.5% है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में ठिगनापन के मामले जो है बुरुंडी में सर्वाधिक यानी कि 54% देखे गए हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में दुबलापन के सर्वाधिक मामले भारत में यानी कि 17.1% दर्ज किए गए हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर जो है नाइजीरिया और सोमालिया में सर्वाधिक है यानी कि 11.7%। तो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंक की बात करें तो 101 है और स्कोर है आपका 27.5। तो स्पष्ट है कि GHI 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है स्पष्ट है कि GHI 2021 में भारत का स्कोर यहाँ भुखमरी की गंभीर स्थिति को प्रदर्शित करता है। 2020 में भारत का स्कोर कितना था? 94 था। और जो है कुल कितने देशों में? 107 देशों में, मतलब हालत ख़राब है। चलिए आइए इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए लिखा है GHI 2021 विभिन्न संकेतकों में भारत की स्थिति देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है जनसंख्या में अल्प पोषित लोगों की संख्या प्रतिशत में, तो और यहाँ लिखा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो है, चलिए देखते हैं। तो लिखा है जनसंख्या में अल्प पोषित लोगों की संख्या प्रतिशत में देखिए तो 2021 से 13 में आपका था 15%, और 2018 से 20 में था 15.3%, यानी कि यहाँ पे आ गया, बढ़ गया। ठीक है, अब लिखा है 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों में दुबलापन अगर देखें हम प्रतिशत में, तो 2010 से 2014 में था 15.5, और 2016 से 20 में ये क्या हो गया, बढ़ गया और 17.3 हो गया। फिर लिखा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में क्या है ठिगनापन अगर देखें हम, तो 2010 से 14 में था 38.7%, और 2016 से 20 में है आपका 34.7%। फिर लिखा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर की बात करें अगर, तो 2012 में था ये 5.2%, और जो कि 2019 में कम हो गया यानी कि 3.4% हो गया। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखा है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021, तो यहाँ लिखा है कि जो आपका है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स विकसित और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा की स्थिति का मूल्यांकन करने वाला एक प्रमुख साधन है। ये सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन एंड निर्मित तथा क्या है कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा जो है प्रायोजित किया गया है। जिसमें लिखा है 12 अक्टूबर 2021 को वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 जारी किया गया। कितने देश शामिल हैं इसमें? 113। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। तो इसमें लिखा है सूचकांक के तहत विश्व के 113 देशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन जिन चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला हो गया आपका खाद्य सामर्थ्य, यह खाद्य उपलब्धता, गुणवत्ता एवं सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन एवं लचीलापन। ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा है GFSI 2021 शीर्ष 5 देशों की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है आयरलैंड, सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रिया यूरोप में, एंड थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड किंगडम, फोर्थ नंबर पे है फिनलैंड, एंड फिफ्थ नंबर पे है आपका स्विट्जरलैंड यूरोप। तो इसमें लिखा है GFSI 2021 में भारत जो है आपका भारत ने 57.2 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान है आपका 71, और टोटल कितने देश हैं 116, राइट, कितने हैं आइए फिर से देख लें, तो गाइस सॉरी 113 देशों के साथ। ठीक है, हम कौन से स्थान पे, मतलब भारत कौन से स्थान पे 71। अब लिखा है प्रकृति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन,
लिखा प्रगति और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन, विश्व के 75 से अधिक देशों का एक क्या है, अंतर सरकारी समूह है। ठीक है, कितने देश, 75 से अधिक देशों का। तो इसमें लिखा है 11 जनवरी 2021 को पेरिस में संपन्न हुए वन प्लैनेट समिट के दौरान लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे लिखा है अक्टूबर 2021 को भारत आधिकारिक तौर पर प्राकृतिक और लोगों के लिए उच्च आकांक्षा गठबंधन में शामिल हुआ। भारत इस गठबंधन में शामिल होने वाला ब्रिक्स समूह यानी कि ब्राज़ील, रशिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका भारत का पहला देश है। तो इसमें ब्रिक्स समूह का पहला देश कौन सा है, भारत है। तो यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशिनिया आदि क्षेत्रों के विभिन्न देश इस गठबंधन में शामिल हैं। तो यह गठबंधन प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करता है, जिससे प्राणियों के तीव्र शरण को रोका जा सके और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके। तो इसके लिए इस गठबंधन ने 30x30 लक्ष्य की घोषणा की है। तो 30x30 लक्ष्य से तात्पर्य है वर्ष 2030 तक विश्व की न्यूनतम 30% भूमि और महासागर का संरक्षण से है। ये लिखा है कोस्टारिका, ऐसे कहाँ पे है देखिएगा, कोस्टारिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम इस गठबंधन के सह अध्यक्ष हैं। चलिए नोबेल पुरस्कार 2021 की बात करते हैं। अक्टूबर 18 को स्कॉट स्टॉकहोम में जन्मे स्वीडिश आविष्कार एवं उद्यमी अल्फ्रेड नोबल, नोबेल पुरस्कार के संस्थापक है अल्फ्रेड नोबल की वसीयत में उल्लिखित इनकी इच्छा को पूर्ण करने हेतु वर्ष 1900 में एक निजी संस्था के रूप में नोबल फाउंडेशन की स्थापना की गई। नोबल फाउंडेशन द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किया जा रहा है, जबकि अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार की स्थापना स्वेरीजेस रिक्स बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने वर्ष 1968 में की थी। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया। तो अक्टूबर 2021 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई। अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार की बात करते हैं तो 11 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2021 हेतु अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई। चलेगा इस यहाँ पे लिखा है स्वराज रिस बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल 2021। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन तीन अर्थशास्त्रियों को प्रदान किया गया उनमें एक थे डेविड कार्ड, ठीक है, ये कनाडा अमेरिका। फिर इसमें लिखा है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, ये इसराइल अमेरिका। फिर इसमें लिखा है गुइडो डब्ल्यू एम बेंस, नीदरलैंड अमेरिका। फिर लिखा है डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके प्रयोग सिद्ध योगदान के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जोशुआ एंग्रिस्ट तथा गुइडो एम बेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके प्रणालीगत योगदान के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। फिर हम बात करेंगे नोबेल शांति पुरस्कार की। तो यहाँ लिखा है 8 अक्टूबर 2021 को ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबल कमिटी द्वारा 2021 के नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस वर्ष यह पुरस्कार मारिया रेस्सा फिलिपास एवं दमित्री मुरातोव कहा रशिया को प्रदान किया गया। फिर इन दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उनके प्रयासों हेतु प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में मारिया रेसा ने खोजी पत्रकारिता हेतु रैपलर नामक एक डिजिटल मीडिया कंपनी की सह स्थापना की है, जबकि वर्ष 1933 में दमित्री मुरातोव ने नोवाया गटेजा नामक एक स्वतंत्र रूसी समाचार पत्र की स्थापना की थी। अब लिखा है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 7 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्थित द स्वीडिश एकेडमी द्वारा वर्ष 2021 हेतु साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2021 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल राज गुरना तंजानिया इंग्लैंड को प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों एवं महाद्वीपों
के बीच फंसे शरणार्थियों के भविष्य के स्पष्ट एवं करुणामय चरित्र हेतु जो है प्रदान किया गया। तो उल्लेखनीय है कि अब्दुल रज्जाक गुरनाह का अंग्रेजी में लिखित प्रथम उपन्यास मेमोरी ऑफ डिपार्चर 1987 था। तो इनके अंग्रेजी में लिखित अन्य उपन्यास की अगर बात तो पिलग्रिम्स वे 1988, डॉटी 1990, पैराडाइज 1994, एडमायरिंग साइलेंस 1996, वाई द सी 2001, डेजर्शन 2005, द लास्ट गिफ्ट 2011, ग्रेबल हार्ट 2017, आफ्टर लाइव्स 2020। तो इसमें लिखा रसायन विज्ञान का नोबल पुरस्कार की बात करें तो 6 अक्टूबर 2021 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2021 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस वर्ष यह पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट जर्मनी, डेविड मैकमिलन ब्रिटिश अमेरिका को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार असहमति ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस आणविक निर्माण का एक नया सरल और सटीक साधन है। उपयुक्त दोनों वैज्ञानिकों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से इस तीसरे प्रकार के उत्प्रेरक का विकास वर्ष 2000 में किया था। ज्ञातव्य है कि इसके पूर्व ये अनुसंधानकर्ताओं द्वारा सैद्धांतिक रूप से धातुओं और एंजाइम जैसे केवल दो प्रकार के उत्प्रेरकों की उपलब्धता का दावा किया जा रहा था। असममित ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास से रसायन को हरित बनाने के साथ साथ फार्मास्यूटिकल अनुसंधान के क्षेत्र में भी क्रांति आएगी। अब नेक्स्ट है भारतीय भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021। तो 5 अक्टूबर 2021 को स्वीडिश द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा 2021 हेतु भारतीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान हेतु कुल 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। तो इस्युकुरो मनाबे जापानी मूल के अमेरिकी और क्लास हैसलमैन जर्मनी को पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग तथा वैश्विक तापन के विश्वसनीय पूर्वानुमान और इसकी परिवर्तनशीलता के मापन हेतु वर्ष 2021 का भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की कुल पुरस्कार राशि का आधा हिस्सा प्रत्येक को 1/4 भाग प्राप्त हुआ। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 का दूसरा आधा हिस्सा 1/2 जो है जॉर्जिया पारसी इटली को प्रदान किया गया। इन्हें परमाणवीय से ग्रहीय पैमाने पर भौतिक प्रणालियों में विकार तथा उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर नेक्स्ट चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 4 अक्टूबर 2021 को द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन द्वारा वर्ष 2021 हेतु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इस वर्ष पुरस्कार चिकित्सा क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया। कौन कौन है? डेविड जूलियस जो कि अमेरिका के हैं, फिर है आडम पाटापोशियन लेबनान में जन्मिक अमेरिकी हैं ये। तो इन दोनों वैज्ञानिकों को तापमान और स्पर्श हेतु ग्राहियों की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। डेविड जूलियस एंड आडम पाटापोशियन का कार्य सोमेटो सेंसेशन नामक क्षेत्र पर केंद्रित था। ओके, भारत में शिक्षा की स्थिति पर यूनेस्को की रिपोर्ट 2021। 5 अक्टूबर 2021 को विश्व शिक्षक दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने भारत में शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? नो टीचर नो क्लास। तो वर्तमान रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया का तीसरा संस्करण है। तो रिपोर्ट के निष्कर्ष बड़े पैमाने पर आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण और शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
UDISE यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन 2018-19 और 2019-20 के आंकड़ों पर आधारित है। कुल स्कूलों की तुलना में एकल शिक्षक स्कूलों सिंगल टीचर स्कूल्स की संख्या की दृष्टि से अरुणाचल प्रदेश 18%, गोवा 16%, तेलंगाना 16% के साथ जो है शीर्ष पर है। चंडीगढ़ 82%, गोवा 80%, केरल 78% सर्वाधिक महिला शिक्षक वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। त्रिपुरा 32, असम 39, झारखंड 39, राजस्थान 39 न्यूनतम महिला शिक्षक वाले राज्य हैं। प्राथमिक विद्यालयों में सकल नामांकन दर वर्ष 2001 के 81.6% से बढ़कर 2018-19 में 93.03% और 2019-20 में जो है 102.1% हो गई। तो नेक्स्ट यहाँ पे वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो वर्ष 2021 में वैश्विक नवाचार सूचकांक का प्रकाशन WIPO द्वारा पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट विभिन्न कॉरपोरेट तथा अकेडमिक नेटवर्क भागीदारों एवं GIA सलाहकारी बोर्ड की साझेदारी में किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ भी इस सूचकांक के प्रकाशन में कॉरपोरेट भागीदारी के रूप में शामिल है। स्मरणीय तथ्यों में बात करें तो 20 सितंबर 2021 को वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 को जारी किया गया। तो ये सूचकांक जो है 14वां वार्षिक संस्करण है। तो इस संस्करण में नवाचार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो वर्ष 2021 के वैश्विक नवाचार सूचकांक का केंद्रीय विषय क्या है? कोविड-19 महामारी के जरिए नवाचार का पता लगाना। तो इस सूचकांक में विश्व की जो है 132 अर्थव्यवस्थाओं को जो है उनके नवाचार पारितंत्र के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई। तो 132 अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग जो है 81 विभिन्न संकेतकों के आधार पर तैयार की गई। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में लगातार 11वें वर्ष स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान भारत दो स्थानों के सुधार के साथ कौन से स्थान पर आ गया? 56। तो मध्य दक्षिण एशिया में भारत शीर्ष नवाचारी देश है। निम्न मध्य आयु समूह के देशों में भारत को दूसरी रैंक, वियतनाम जो है प्रथम स्थान पर है और भारत सेकेंड। बेंगलुरु दिल्ली मुंबई शीर्ष 100 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्लस्टरों में शामिल हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में अंगोला 132 रैंक के साथ अंतिम स्थान पर है। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 शीर्ष 10 देशों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड स्वीडन, थर्ड नंबर पर है अमेरिका, फोर्थ नंबर पर UK, फिफ्थ नंबर पर दक्षिण कोरिया, सिक्स नंबर पर है नीदरलैंड, सेवन्थ पे है फिनलैंड और एट्थ नंबर पे सिंगापुर, नाइन्थ पे डेनमार्क एंड टेंथ पे आपका जर्मनी। यहाँ लिखा है टाइम 100 सूची 2021। तो लिखा है टाइम 100 विश्व के 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की एक वार्षिक सूची है जो अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा जारी की जाती है। अमेरिकी शिक्षाविदों, राजनीतिज्ञों, पत्रकारों के मध्य विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप ये सूची सर्वप्रथम वर्ष 1999 में प्रकाशित की गई थी। इस सूची में 6 अलग अलग क्षेत्रों से लोग शामिल किए जाते हैं, जैसे कि हो गया आइकन, पोइनियर, देन आपका टाइटन, आर्टिस्ट, लीडर्स, इनोवेटर्स। ठीक है, अब इसमें लिखा है वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची टाइम पत्रिका द्वारा 15 सितंबर 2021 को जारी हुई। तो वर्ष 2021 की टाइम 100 सूची में 3 भारतीय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं यानी अदान पूनावाला को स्थान दिया गया प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो टाइम पत्रिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में शामिल करते हुए आज़ादी के बाद 74 वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ भारत के तीसरे महत्वपूर्ण नेता में शामिल किया है। नेतृत्वकर्ता श्रेणी के अंतर्गत शामिल कुछ अन्य प्रमुख लोगों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उल्लेखनीय हैं। सूची में तालिबानी नेता अब्दुल घनी बरादर को भी करिश्माई मिलिट्री नेता के तौर पर नेतृत्वकर्ता श्रेणी में शामिल किया गया है। टाइम सूची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी है नेतृत्वकर्ता श्रेणी में को भारतीय राजनीति में एक उग्र चेहरे के रूप में अभिव्यक्त करती है जो किसी भी पत्नी, बेटी या माँ के रूप में नहीं बल्कि स्वयं की पहचान से जानी जाती है। फिर है अदार पूनावाला को इस सूची में अग्रदूत यानी कि पायनियर के रूप में स्थान मिला है। टाइम के अनुसार पूनावाला जो है विश्व के टीका संबंधी असमानता को कम
कर सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व की सबसे बड़ी टीका निर्माता कंपनी में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं अफ्रीका, त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी ओकूस। तो लिखा बॉस 1951 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच हुई संधि। ANZUS की 70वीं वर्षगांठ पर हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने एक त्रिपक्षीय रक्षा साझेदारी पहल ऑकूस मतलब हो गया गाइस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट को शुरू करने की घोषणा की। तो 15 सितंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस पहल की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन ने की। तो इस पहल का प्रथम उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और सुरक्षा होने के साथ ही 18 महाप्रोजेक्ट भी है। तो 18 महाप्रोजेक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी का निर्माण किया जाना है। इन पनडुब्बी का निर्माण ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया जाएगा। दायित्व है कि वर्ष 1968 में प्रयुक्त की गई परमाणु हथियारों की अप्रसार संधि यानी कि NPT पर ऑस्ट्रेलिया ने वर्ष 1970 में हस्ताक्षर किया था। उपयुक्त के अतिरिक्त यह साझेदारी पहल साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम तकनीक और कुछ अन्य समुद्री क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगी। नेक्स्ट हम पे है टाइम्स वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022। तो 2 सितंबर 2021 को टाइम्स हायर एजुकेशन ने वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 जारी की, जिसमें 5 क्षेत्रों में विभक्त 13 प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर वैश्विक विश्वविद्यालय की रैंकिंग तैयार की जाएगी। तो ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं, शिक्षण, शोध, उद्धरण, ये है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उद्योग आय। यह वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग 2022 में 99 देशों एवं क्षेत्र के रिकॉर्ड 1662 विश्वविद्यालय को रैंक प्रदान की गई है। तो इसमें जो है 71 भारतीय संस्थानों को जगह मिली है और गत वर्ष जो है 63 भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया था। भारतीय संस्थानों में जो आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को सर्वोच्च रैंक प्राप्त है। तो 301 से 350 रैंक समूह में रखा गया है इसे। तो भारतीय संस्थानों में IIT रोपड़ जो है 351 से 400 रैंक समूह द्वितीय स्थान पर है। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 शीर्ष विद्यालय की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK, सेकंड नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, फिर सेकंड नंबर पे हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA, फोर्थ नंबर पे आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय USA, फिफ्थ नंबर पे है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK, देन फिफ्थ नंबर पे मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी USA, देन सेवन्थ नंबर पे है प्रिंसटन विश्वविद्यालय USA, एट नंबर पे है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय USA, देन यहाँ पे है येल यूनिवर्सिटी USA की और टेंथ नंबर पे है शिकागो यूनिवर्सिटी USA की। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं हुरून ग्लोबल 500 सूची 2021। तो 20 अगस्त 2021 को हुरून अनुसंधान संस्थान द्वारा हुरून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। तो हुरून ग्लोबल 500 विश्व की 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियों की सूची है। हुरून ग्लोबल 500 के तहत सूचीबद्ध कंपनियों को उनके बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर, जबकि गैर सूचीगत कंपनियों को उसके मूल्य यानी कि वैल्यूएशन के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। तो हुरून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार अमेरिकी कंपनी यानी कि एप्पल विश्व की सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी, जिसका मूल्य 2.443 ट्रिलियन डॉलर है। तो 12 निजी भारतीय कंपनियों में विश्व की 500 सबसे मूल्यवान निजी कंपनियों की सूची में जगह बनाई है। तो हुरून ग्लोबल 500 सूची में शामिल कंपनियों की संख्या की दृष्टि से भारत जो है विश्व के 9वें स्थान पे है। तो हुरून ग्लोबल 500 सूची में रिलायंस इंडस्ट्री 188 बिलियन डॉलर यानी कि 57वें स्थान पर कब्जा जमाए हुए भारतीय कंपनियों में ये है शीर्ष पर। कौन सी आपकी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS 75वें स्थान पर, भारत में जो है दूसरे नंबर पे हो गए। HDFC बैंक जो है तीसरा सर्वाधिक मूल्यवान कंपनी हो गई, थर्ड नंबर पे HDFC बैंक हो गया। इसमें लिखा है कि हुरून ग्लोबल 500 सूची शीर्ष 5 कंपनियों की अगर यहाँ पर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ देख पा रहे हैं आप एप्पल है, ठीक है। इसका मूल्य भी लिखा है 2443 US
$20। ठीक है, बढ़ोतरी या कमी प्रतिशत में देखी जाए तो 15% है, और इसका मुख्यालय की बात करें तो क्यूपर्टिनो USA में है, और इसके CEO की बात करें तो टिम कुक। फिर सेकंड नंबर पे है माइक्रोसॉफ्ट गाइस, इसका मूल्य भी आप देख सकते हैं बढ़ोतरी कमी में यानी कि प्रतिशत में 29% हो गया। रेडमोंड USA में इसका मुख्यालय है, सत्य नडेला इसके CEO हैं। फिर अमेजन की बात करते हैं तो गाइस इसमें आप मूल्य देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। फिर सिएटल USA में इसका मुख्यालय है, और जेफ बेजोस जो है इसके आपके CEO है, किसके, अमेजोन के। देन यहाँ पे है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट का मूल्य देख सकते हैं और बढ़ोतरी या कमी देख सकते हैं। माउंटेन व्यू USA में इसका मुख्यालय है, सुंदर पिचाई अल्फ़ाबेट के क्या है, CEO है। फेसबुक की अगर बात करें तो CEO के मार्क चुकरबर्ग, और ये कहाँ पे है, मेलो पार्क USA में इसका मुख्यालय है, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, तो भारतीय द्वारा किगाली संशोधन का अनुसम्मत है, ठीक है, तो इसमें लिखा है ओजोन अव, जो ओजोन लेयर है उसकी बात करें तो ओजोन अवक्षयकारी पदार्थों पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सस्टेनेबल दैट डिप्लीट सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर, एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय संधि है जो ओजोन अपक्षयकारी पदार्थों के रूप में संदर्भित लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पाद एवं उपभोग के भी नियमित करती है। ठीक है, अब तक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 6 बार संशोधन किया जा चुका है, नवीनतम संशोधन कौन सा, किगाली संशोधन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं तो 18 अक्टूबर 2016 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकार देश ने किगाली संशोधन को अंगीकृत किया है, तो यहाँ पे लिखा है किगाली रवांडा में आयोजित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारों की 28वीं बैठक में 170 से अधिक देशों के मध्य इस प्रोटोकॉल के संशोधन पर सहमति बनी है, अतः इसे किगाली संशोधन नाम दिया गया। ठीक है, किगाली संशोधन का उद्देश्य तो विश्व भर में HFC यानी कि हाइड्रो फ्लोरोकार्बन के उत्पादन और उपभोग में चरणबद्ध रूप से क्या करी जाए, कटौती की जाए। तो 1 जनवरी 2019 को किगाली संशोधन जो है प्रभावी हो गया। फिर 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा किगाली संशोधन के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी। उल्लेखनीय है कि भारत 19 जून 1992 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पक्षकारक बन गया था, और तब से इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के सभी संशोधन का अनुसमर्थन किया है। भारत वर्ष 1932 में 4 चरणों में HFC में चरणबद्ध रूप से कटौती के कार्य को पूरा करेगा। अब इसमें लिखा है वर्ष 2032 में 10%, 2037 में 20%, 2042 में 30%, 2047 में 85% की संचयी कटौती प्रस्तावित है भारत की तरफ से। और लिखा वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020, तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक अनुसंसाधनकर्ताओं, नीति निर्माताओं एंड नागरिक समाज हेतु एक ऐसा साधन है जिससे युवा विकास के संबंध सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को मापा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 9 अगस्त 2021 को लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा 181 देशों के युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की गई। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में कुल 181 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देशों में से 48 देश शामिल है। ये सूचकांक युवा विकास के 6 क्षेत्रों पर आधारित है, जैसे स्वास्थ्य कल्याण, शिक्षा, रोजगार एवं अवसर, यह राजनीतिक एवं नागरिक भागीदारी, समानता, समावेशन, शांति और सुरक्षा। तो सिंगापुर जो है पहली बार सूचकांक में प्रथम स्थान पर आया। फिर चैट जो है न्यूनतम, इसका जो स्तर है न्यूनतम है, और इस सूचकांक में अंतिम स्थान यानी कि 181वें स्थान पर है। तो गाइस 2020 की बात करें तो भारत का जो रैंक है वो हो गया 122। फिर लिखा है भारत मध्यम युवा विकास वाले देशों की श्रेणी में। अरे वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 10 शीर्ष देशों की बात करें तो फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड नंबर पे है स्लोवेनिया, थर्ड नंबर पे है नॉर्वे, फोर्थ माल्टा, देन फिफ्थ नंबर पे है डेनमार्क, सिक्स नंबर स्वीडन, सेवन्थ नंबर पे है स्विट्जरलैंड, एट नंबर पे है आपका नीदरलैंड, नाइन्थ नंबर पे है आयरलैंड, एंड देन टेंथ नंबर पे है लग्जमबर्ग, और टेंथ नंबर पे है पुर्तगाल। चलिए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 वैश्विक ब्रिक्स देशों की रैंकिंग की अगर बात करें तो 116वें नंबर पे है ब्राज़ील, 82 पे है आपका रशिया,
122 भारत, 62 पे है चाइना एंड 131 पे है दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट इसमें लिखा है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना, तो 11 जुलाई 2021 को काठमांडू नेपाल में भारत के सतलज जल विद्युत निगम और नेपाल निवेश बोर्ड के मध्य लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पे हस्ताक्षर किया गया। इस परियोजना की क्षमता 679 मेगावाट है। यह परियोजना नेपाल के सांखुआ सभा और भोजपुर जिले में स्थित है। देन इसमें लिखा LAHEP अरुण थी जल विद्युत परियोजना का डाउन स्ट्रीम विस्तार है। इस परियोजना में कोई जलाशय बांध नहीं होगा। ये परियोजना 900 मेगावाट क्षमता वाली अरुण 3 HEP की जलधारा पर विकसित होगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर प्रति वर्ष 2970 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के बाद SJVN को नेपाल में प्राप्त होने वाली यह दूसरी परियोजना है। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में निगमित SJVN अरुण 3 पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित की जा रही है। 2018 में अरुण 3 परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो इसमें लिखा है यह नेपाल में भारत द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश 7,000 करोड़ रुपये का है, ठीक है, और साथ ही यह नेपाल में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नाउ है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 की बात करें तो 17 जून 2021 को सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्व के एक अग्रणी विचार मंच इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक का जो है 15वां संस्करण है। प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले सूचकांक का पहला संस्करण कब आया था, 2007 में आया था। तो वैसे इसमें क्या है आपका, कितने देश या क्षेत्र हैं, 163 देशों या फिर क्षेत्रों को शामिल किया गया और इन देशों में जो विश्व की जनसंख्या के कितने लोग रहते हैं, 99.7% लोग यहीं पे रहते हैं। और इन सूचकांक में विश्व में शांति के स्तर का मापन 13 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर किया जाएगा। तो इसमें 3 विस्तृत विषयों की बात करें तो वो हो गया समाज में बचाव और सुरक्षा का स्तर, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का प्रसार, देन सैनिकरण का स्तर, ठीक है। अब वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार आइसलैंड जो है सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। 2008 से ही ये जो है हमेशा शीर्ष स्थान पर रहा है यानी कि फर्स्ट नंबर पर रहा है। ऐसे का लगातार चौथी बार जो है अफगानिस्तान सबसे लास्ट स्थान पर रहा, ठीक है। अगर भारत की 2021 में भारत की बात करें तो उसकी जो रैंकिंग है वो 163 देशों की सूची में कितनी है, 135, मतलब बेकार ही है कही जाए तो। भूटान 22वीं रैंक पर है। देखिए भारत जो है हमारा 135th पे है और भूटान देखिए 22वीं रैंक पर है। तो दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश कौन सा है, भूटान। तो इस सूचकांक के अनुसार यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिपूर्ण क्षेत्र है, जबकि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र है। फिर बात करेंगे हम IMD विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2021। तो 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने 33वीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2021 जारी की। इस वर्ष रैंकिंग में 334 प्रति मतलब मानदंड के आधार पर विश्व में 64 अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण किया गया। तो लिखा है गया इस रैंकिंग में 4 कारकों के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापा गया। तो पहला है आर्थिक प्रदर्शन, दूसरा है सरकारी दक्षता, फिर तीसरा है व्यवसायिक दक्षता और फोर्थ नंबर पर है आधारभूत संरचना। फिर लिखा है गई यहाँ पे IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में 33 वर्षों के इतिहास में पहली बार स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस रैंकिंग में भारत जो है वर्ष 2019 से लगातार 43वें स्थान पर बना हुआ है। तो भारत की जो रैंक है वो है 12वीं, मतलब एशिया प्रशांत देशों में भारत की रैंक 12वीं है। इसमें लिखा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022। तो 8 जून 2021 को ब्रिटिश कंपनी QS द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 18वां संस्करण जारी किया गया। इस रैंकिंग में
मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने लगभग दसवा बार शीर्ष स्थान, दसवीं बार सॉरी दसवीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग में जो आपका है आपका लाइक IIT बॉम्बे 177 स्थान पर है और भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान IIT बॉम्बे हो गया, ठीक है। और इसमें लिखा है रिपोर्ट के अनुसार एशिया के दो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर 11वें स्थान पर है और नान यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर 12वें स्थान पर। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में 35 जो है भारतीय संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। तीन भारतीय विश्वविद्यालय यथा IIT बॉम्बे 177, IIT दिल्ली 185 एंड आपका है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 186वें रैंक के साथ जो है टोटल जो है टॉप 200 में शामिल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 शीर्ष पांच विश्वविद्यालय। तो फर्स्ट देखिए हम 2022 की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, स्कोर देख लीजिए। और यहाँ पे सेकंड नंबर पे है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK और थर्ड नंबर पे आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका, देन थर्ड नंबर पे ही आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय UK एंड फिफ्थ नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। अब लिखा है मृत्युदंड पे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, तो जनवरी से दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान मृत्युदंड के न्यायिक प्रयोग पर आधारित एमनेस्टी इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट 21 अप्रैल 2021 को जारी की गई। 2020 में चैड में मृत्युदंड को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार वर्ष 2020 में 18 देशों द्वारा मृत्युदंड की सजा को क्रियान्वित किया गया। फिर स्मरणीय तथ्य की बात करें तो वर्ष 2020 के अंत तक कुल 108 देशों ने कानून के माध्यम से सभी अपराधों हेतु मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, जबकि अब तक कुल 144 देश कानून और व्यवहार में मृत्युदंड को समाप्त कर चुके हैं। फिर लिखा है जहां वर्ष 2019 में 657 से अधिक लोगों पर मृत्युदंड का क्रियान्वयन किया गया, वहीं वर्ष 2020 में कितना 483 प्लस लोग थे। ज्ञातव्य है कि इन आंकड़ों में चीन के आंकड़े शामिल नहीं हैं, जहां प्रतिवर्ष हजारों व्यक्तियों को मृत्युदंड दिया जाता है परंतु आधिकारिक रूप से इनकी संख्या गुप्त रखी जाती है। फिर भी वर्ष 2020 में सर्वाधिक निष्पादित मृत्युदंड की संख्या चीन में मानी गई है। 2020 में सर्वाधिक मृत्युदंड ईरान में क्रियान्वित किया गया है। फिर लिखा है इसके बाद कौन सा है, मिस्र है, उसके बाद है इराक एंड देन सऊदी अरब। तो 2020 में USA में कुल 17 मृत्युदंड क्रियान्वित किए गए हैं। 2016 से 2019 में भारत में मृत्युदंड का क्रियान्वयन नहीं किया गया, लेकिन हम बात करें 20 मार्च 2020 को तो निर्भया कांड के चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई, यानी फांसी पर लटकाया गया है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021, तो 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा 15वीं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित चार आयामों के आधार पर विभिन्न देशों में व्याप्त लैंगिक अंतराल का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करती है। फर्स्ट हो गया आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति, तीसरा है स्वास्थ्य उत्तरजीविता, देन फोर्थ नंबर है राजनीतिक सशक्तिकरण। देन इस रिपोर्ट में 156 देशों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पहली बार 3 नए देशों को शामिल किया गया है, कौन कौन से, अफगानिस्तान, गुयाना एंड नाइजर। रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी देश जो है पूर्ण लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर सका है। आइसलैंड जो है आपका 12वीं बार जो है विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश घोषित हुआ है। टॉप 5 देशों की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर पे है आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड नंबर पे है नॉर्वे, फोर्थ नंबर पे है न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ नंबर पे है स्वीडन, राइट। अब यहाँ पे लैंगिक समानता के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन 156 नंबर पे है अफगानिस्तान, 155 यमन एंड 154वें है इराक। तो भारत की बात करें तो 28 स्थान की गिरावट के साथ अब पहुंच गया है 140वें स्थान पर। तो 2020 में जो है 153 देशों की सूची में 112वें स्थान पर था भारत, मतलब अब यहाँ पे 140 पे। तो भारत दक्षिण एशिया में पाकिस्तान है 153 और अफगानिस्तान 156 के बाद सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है, मतलब ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा। देखिएगा अब नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की हम बात करें यहाँ पे। तो वैसे यहाँ लिखा है 14 भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की अगर बात करें तो 11 अप्रैल 2022 को वॉशिंगटन DC में
जो ये संवाद का क्या हुआ आयोजन हुआ, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री कौन थे, एस जयशंकर द्वारा किया गया। हाँ, अमेरिका की तरफ से अगर बात करें तो विदेश मंत्री कौन थे, तो विदेश मंत्री थे आपके एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन थे। ठीक है, तो संवाद के दौरान क्या हुआ, दोनों पक्षों द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया। तो इस उपग्रह का जो प्रक्षेपण है वर्ष 2023 में भारत से किया जाएगा। तो ये मिशन जलवायु संकट से निपटने हेतु आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, भारत द्वारा कंबाइंड मैरिटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स में एसोसिएट भागीदार के रूप में शामिल होने के भारत के निर्णय का अमेरिका द्वारा स्वागत किया गया। ये गए पाँचवा बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, तो 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि बिम्सटेक पहल के पाँचवें शिखर सम्मेलन में भाग लिया। तो इस सम्मेलन की मेजबानी आभासी माध्यम से श्रीलंका द्वारा की गई। तय है कि वर्ष 2022 बिम्सटेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। तो इस सम्मेलन का विषय क्या है आपका, एक लचीला क्षेत्र की और समृद्ध अर्थव्यवस्था और स्वस्थ लोग। सम्मेलन के दौरान मोदी प्रधानमंत्री मोदी और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष 3 समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। पहला, आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता। दूसरा है राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग। तीसरा है बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रति स्थापना हेतु प्रबंध पत्र। तो शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्सटेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। नेक्स्ट, अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल 2018 से 22 में समाप्त हो गया। बिम्सटेक के सदस्य देशों की अगर बात करें तो बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान एंड नेपाल शामिल हैं। अब लिखा है क्वाड नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन, तो 24 सितंबर 2021 को वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेजबानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से चतुर्भुज सुरक्षा संवाद नाम से जाना जाता है। इस समूह में शामिल 4 देश कौन कौन से हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है एंड जापान है। फिर लिखा है 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टॉक मॉरिसन एंड जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा शामिल हुए। अब बात करेंगे भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन की, तो 18 फरवरी 2022 को इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी और जो है अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के मध्य आयोजित हुआ ये शिखर सम्मेलन। तो इस अवसर पर दोनों देशों द्वारा भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे नए मील के पत्थर शीर्षक से एक संयुक्त विजय वक्तव्य जारी किया गया। दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तथा यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक संतुलित निष्पक्ष व्यापक और न्यायसंगत साझेदारी समझौता है। यह यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। साथ ही एमईएनए मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। यह कोई अंतिम समझौता नहीं है बल्कि एक पूर्ण और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है जिसे न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया जा सके। तो 88 दिनों के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्तांतरित किए जाने वाला यह एक ऐतिहासिक समझौता है। यह समझौता 1 मई 2022 से लागू हो गया। भारत यूएई सीईपीए के कार्यान्वयन से भारत द्वारा यूएई को निर्यात
किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क लगेगा, जबकि 80% व्यापार लाइनें यानी कि लाइन ऑफ ट्रेड शुल्क मुक्त यानी कि शून्य शुल्क होगी। भारत यूएई सीईपीए कार्यान्वयन के माध्यम से भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के 60 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की मेजबानी में संपन्न हुआ। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। तो भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया। तो सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की गई। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत मध्य एशिया वार्ता तंत्र अतिरिक्त वाणिज्यिक सांस्कृतिक मंत्रियों तथा सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं के आयोजन पर सहमति बनी। नई दिल्ली में एक भारत मध्य एशिया केंद्र स्थापित किया जाएगा जो भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन हेतु सचिवालय का कार्य करेगा। अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित होगा। अब बात करेंगे 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। तो यहाँ पे लिखा है 6 दिसंबर 2021 को 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। शिखर सम्मेलन में जारी भारत रूस संयुक्त वार्ता का शीर्षक क्या था? भारत रूस शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भागीदारी। तो इस शिखर सम्मेलन में भारत एवं रूस के बीच जो है 28 समझौतों पर हस्ताक्षर किया गया। 20वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन व्लादिवोस्तोक रूस में सितंबर 2019 में किया गया था। 21वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त पहली बार दोनों देशों के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जो है शामिल थे। भारत रूस के अतिरिक्त अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन करता है। तो 22वें भारतीय रूस शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में रूस में किया जाएगा। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन 2021। तो 31 अक्टूबर 2021 को 13 नवंबर 2021 तक जो है आपका 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन यानी कि UNFCCC COP26 का आयोजन किया जाएगा। और कहाँ पे आपका? स्कॉटलैंड यूके के ग्लासगो शहर में संपन्न होगा। और इसमें इस आयोजन में क्या है, यूके द्वारा इटली की साझेदारी में किया गया है, मतलब ये आयोजन इसका आयोजन, ठीक है। तो इसमें लिखा COP26 अब तक के सबसे बड़ा पक्षकारों का सम्मेलन था जिसमें 194 देशों के 38,000 से अधिक जो है प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तो भारतीय मूल के ब्रिटिश आलोक शर्मा COP26 के अध्यक्ष थे। शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। तो इसमें जो है पंचामृत का मंत्र दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राइट। तो पंचामृत के तहत जो है भारत ने विश्व के समक्ष निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। पहली, वर्ष 2030 तक भारत की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाना। दूसरा, इन्होंने कहा 2030 तक भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करना। 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था का कार्बन तीव्रता को 45% से भी कम करेगा। भारत वर्तमान से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जनों में 1 बिलियन टन की कटौती करेगा। वर्ष 2070 तक भारत द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की प्राप्ति का लक्ष्य। COP26 के दौरान यूके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, जमैका, मॉरिशस द्वारा संयुक्त रूप से IRIS को लॉन्च किया गया। IRIS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रीसाइलेंट आइसलैंड स्टेट्स,
ये छोटे द्वीपीय विकासशील देश हेतु एक समर्पित पहल है। CDRI द्वारा सदस्य देशों और संगठनों के सहयोग से IRIS को स्थापित किया जा रहा है। इसमें लिखा है, इस पहल का उद्देश्य गुणवत्ता युक्त तकनीकी और वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाओं के प्रति SIDS की अवसंरचना को लचीला बनाना। COP26 के दौरान 2 नवंबर 2021 को भारत तथा UK द्वारा संयुक्त रूप से GGIOSOWOG ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक विद्युत ग्रिड के मध्य अंतर संबद्धता में सुधार कर हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण में तेजी लाना। तो COP26 के दौरान 2 नवंबर 2021 को अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा अन्य भागीदारों द्वारा ग्लोबल मीथेन प्लेस को लॉन्च किया गया। तो इस पहल का उद्देश्य वैश्विक मीथेन उत्सर्जनों में कटौती करना है। इस पहल में शामिल होने वाले देश वर्ष 2020 के स्तरों की तुलना में 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में न्यूनतम 30% की कटौती के सामूहिक लक्ष्य हेतु प्रतिबद्ध है। भारत, चीन और रशिया इस पहल में शामिल नहीं है। COP26 के दौरान एडेप्टेशन रिसर्च अलायंस को भी लॉन्च किया गया। तो यह एक ऐसे हितधारकों का समूह है जो जलवायु परिवर्तन के विध्वंसक प्रभावों से सुभेद समुदाय की रक्षा हेतु समर्पित है। COP26 के समापन पर ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट नामक जलवायु संधि पर सहमति बनी। G20 शिखर सम्मेलन 2021, तो 30 से 31 अक्टूबर 2021 को इटली की राजधानी रोम में G20 के 16वें वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में G20 सदस्य देश, यूरोपीय संघ व अन्य आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और सरकार ने भाग लिया। तो इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुआ यह शिखर सम्मेलन लोक ग्रहण और समृद्धि विषय यानी कि थीम पर केंद्रित है। सम्मेलन का फोकस क्षेत्र महामारी के से उबरने और वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र की मजबूती, आर्थिक सुरक्षा एवं लचीलापन, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव की प्रक्रिया, सतत विकास तथा खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित रहा। तो इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। यह 8वां अवसर रहा जब प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन में भागीदारी की। इस सम्मेलन के अंत में रोम घोषणा पत्र जारी किया गया, G20 रोम लीडर्स डिक्लेरेशन। तो इस घोषणा पत्र के प्रमुख मुद्दे में जलवायु और ऊर्जा, आर्थिक पुनः प्राप्ति, COVID-19, जैव विविधता एवं पर्यावरण, सतत विकास तथा कर यानी कि टैक्स जैसे मुद्दे शामिल थे। दायित्व है कि वर्ष 2022 का G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के की मेजबानी में बाली में संपन्न हुआ। 2023 में 18वां G20 शिखर सम्मेलन पहली बार भारत की मेजबानी में संपन्न होगा। चौथी ISA सभा, तो अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की चौथी सभा का आयोजन किया गया। तो इसकी जो पहली सभा है वो 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई थी, ठीक है। तो इसके बाद दूसरी 2019 में नई दिल्ली में, फिर जो तीसरी सभा का आयोजन 2020 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था। तो इस सभा में जो है 74 सदस्य देश और 34 जो है पर्यवेक्षक तथा संभावित देश सहित जो है 108 देशों ने भाग लिया। ऐसे सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी। तो इस हेतु ISA ने ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपी के साथ साझेदारी की घोषणा की है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की अगर बात करें तो 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा फिक्की द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर एम स्टैनली वीटिंगम
जॉन बी गुडइनफ और अकीरा योशिनो के साथ संयुक्त रूप से, ठीक है। सोलर इम्पल्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्ड पिकाई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। तो इस अवसर पर ISA का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 भी लॉन्च किया गया। 21वां SCO शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्ष की परिषद की 21वीं बैठक दुशांबे तजिकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। तो इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। तो SCO शिखर सम्मेलन के दौरान SCO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया। तो यह हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला SCO शिखर सम्मेलन है। तो साथ ही यह चौथा ऐसा SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया। ज्ञातव्य है कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित SCO शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से SCO के पूर्णकालिक सदस्य बन गए। 21वें SCO शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की स्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। तो इस प्रकार SCO में ईरान को स्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। उल्लेखनीय कि वर्तमान में ईरान को SCO में पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है। वर्तमान में SCO के 8 पूर्णकालिक सदस्य कौन कौन से? भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वर्तमान में SCO के 4 पर्यवेक्षक देशों की बात करें तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। वर्तमान में SCO के 6 वार्ता भागीदार देशों की बात करें तो अजरबैजान हो गया, आर्मेनिया हो गया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। उल्लेखनीय है कि यह शिखर सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हुआ। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो गाइस यहाँ लिखा है 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें शिखर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। वर्ष 2012 और 2016 के बाद यह तीसरा अवसर था जब ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। तो साथ ही यह दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसके पूर्व उन्होंने वर्ष 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है। इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ भी है जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य सभी ब्रिक्स नेता और ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा शामिल हुए। तो 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को संयुक्त रूप से स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देश के अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुख ने सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया था। ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म ब्रिक्स देश की एक अन्य नई पहल है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच ब्रिक्स देश की एक और नई पहल है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में
तैयार एक गठित ब्रिक्स किसी अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। ब्रिक्स ARP विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख, अल्प पोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दे से निपटने में सहायक होगा। फिर छठा पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 तो 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्टोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में छठे पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2015 में संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्तोक में किया जाता है। तो पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिक्री द्वारा की गई थी। सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है, सुदूर पूर्व नई चुनौतियों और अवसर, बदलती दुनिया में हमारी साझा जिम्मेदारी और पूर्वी आर्थिक मंच और युवा रहे। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर था। तो इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन, कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल थे। तो इस सम्मेलन को 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अब लिखा 47वां G7 शिखर सम्मेलन, तो यहाँ बात करेंगे जून 2021 के मध्य यूके की अध्यक्षता में कार्नवाल में यूके में, ठीक है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्नवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्या है, एक क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मनाया जाता है। फिर लिखा है इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था, बिल्ड बैक बेटर। तो कार्नवाल के में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 20121 प्रमाणन यानी कि सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया। इस शिखर सम्मेलन में यूके ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया। शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील देशों को COVID-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की। ये खुराकें पूर्व में अमेरिका और यूके द्वारा क्रमशः 250 मिलियन एवं 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त होगी। तो G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की। इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर का के सिद्धांत पर सहमत हुए। बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती है न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेगी। तो इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक एक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया। B3W पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में प्रतिभाग किया। तो ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में बियारिस फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार के रूप में आमंत्रित किया गया था।